हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं लॉग का कितना बड़ा योगदान होता है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को बनाने में लॉग का बहुत बड़ा योगदान है। इसका एप्लीकेशन समझेंगे, प्रॉपर्टी समझेंगे, इसमें आर्गुमेंट बेस का यूज कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज होता है, ये सब बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए लॉग है, इसके थीटा में समझिए आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे लॉग एक्स लिखा रहता है ना, वही एक्स के जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका पावर जैसा लग रहा है। तो लॉग है, आर्गुमेंट इसको बोलते हैं जो थीटा जैसे लग रहा है, इसका पावर में लग रहा है ना, वो आर्गुमेंट है। जैसे आप लोग लिखते हैं लॉग एक्स बेस ए, ऐसे लिखते थे ना, तो एक्स जो है वो आर्गुमेंट वहाँ पर काम कर रहा है, बेस जो है यहाँ बेस लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या इसका मतलब है। अब कंडीशन में देखिए कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे आर्गुमेंट और बेस लेते हैं ना, तो कैसे कैसे लिया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए जीरो लेस देन, देखिए ध्यान से देखिए, आर्गुमेंट आर्गुमेंट का ए आर जी हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना, जीरो लेस देन आर्गुमेंट। दूसरा है कंडीशन, इसमें होता है जीरो लेस देन बेस। तीसरा कंडीशन होता है बेस इज नॉट इक्वल टू वन, ये आप लोग माइंड में रखिएगा। सम अदर प्रॉपर्टीज और हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, सम अदर प्रॉपर्टी, चलिए आगे देखते हैं सम अदर प्रॉपर्टीज। इसका लॉग है, लॉग जैसे ये थीटा जैसा ही काम कर रहा है, इसका बेस मान लीजिए ए है, ठीक है, तो देखिए यहाँ वन लिखते हैं, फार्मूला ही है एक तरह से, यही है, ये वन आ गया। वेयर हम समझाना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा देखिए, वेयर जीरो लेस देन ए एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे वेयर जीरो लेस देन ए लिखा है, इसका मतलब समझिए कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, मैंने यहाँ पर जो भी थीटा के जगह में जो बैठाइएगा वैल्यू, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो अगर अनडिफाइनड हो जाएगा तो जब भी रहेगा तो जीरो से बड़ा ही रहेगा यहाँ वैल्यू, और ए का वैल्यू जो है वन के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा देखिए, जैसे पहला हुआ इसका, दूसरा देखिए यहाँ पर लॉग ए है, थीटा में यह काम कर रहा है, बेस में देखिए वन बाई ए लिखा गया है, ठीक है, इसका फार्मूला माइनस वन आता है, ठीक है। वेयर अब देखिए कैसे, जीरो लेस देन ए, ये तो आपको पता चल ही गया यहाँ पर इसके बारे में कि यहाँ जब भी होगा तो ये जीरो से बड़ा ही होगा यहाँ पे। अब इसके बारे में बताए थे कि इसका वैल्यू जो है किसके बराबर नहीं होगा, एंड यहाँ लिख दे रहे हैं एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, यहाँ पर ए का वैल्यू वन नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अब आगे इसको देखिए, चलिए देखते हैं लॉग आर्गुमेंट है, ये बेस है जैसा कि हम पहले बताए अभी। और जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा लॉग टू है बेस में, थीटा मान लीजिए एट है, ठीक है, तो इसको कैसे रीड करते हैं, लॉग ऑफ, हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट लॉग ऑफ एट, लॉग ऑफ एट टू द बेस टू, ठीक है, लॉग ऑफ एट टू द बेस टू, ठीक है। अब देखिए इसको, अब एग्जांपल थोड़ा देखते हैं ना, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए लॉग अभी जो लिखे हैं लॉग एट बेस टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, थ्री लिख सकते हैं। आपको ये कैसे थ्री लिख दिए, तो देखिए एट को क्या लिख सकते हैं, टू के पावर थ्री लिखेंगे कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आप पढ़ें फार्मूला, इससे भी थोड़ा सा ईजी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में है, देखिए लॉग एक्स के पावर एन, ये पढ़े थे ना, ये एन यहाँ पर आ जाता है, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये अभी ऊपर में प्रॉपर्टी में भी बताए, तो देखिए अब इसमें एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, जैसे लॉग ए बेस ए बराबर क्या पढ़े थे अभी ऊपर में बताए थे ना, वन प्रॉपर्टी लिखे थे, तो वही चीज़ का यहाँ यूज हो रहा है। देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं, लॉग एट को लिख सकते हैं टू का पावर क्यूब, और यहाँ बेस टू पहले से है, और ये तीन एन आ जाएगा, देखिए तो क्या लिखिएगा, तीन हुआ ना, इसलिए आंसर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा लॉग 81 है मान लीजिए,
बेस में 3, इसको भी तो ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देखिए कैसे, log 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 के पावर 4, 3 × 3 × 4 बार लिखिएगा, नहीं तो अपने ये T1 आ जाता है, ये तो सेम हो ही जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × 4 यहाँ 4, जैसे यही फार्मूला से, यही से इसी फार्मूला का यूज हुआ इसमें भी, ठीक है। तीसरा देखिए लॉग है 125 में, देखिए क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट, और यह बेस दिया हुआ है 1/5, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, लॉग है एकदम, जितना हो सके आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, 1/5 है, और इसको क्या लिखिएगा, एक क्यूबिक रूट के मतलब, देखिए 5 का पावर अंदर में क्यूब लिख दीजिए, और इसका क्यूबिक रूट मतलब क्या होता है, 1/3 ना होता है, देखिए अभी वाला कैंसिल हो जाएगा 3 3, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ log 5, ये 1/5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर -1, और यहाँ 5, समझ में आया इस जगह पर नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान से देखिए, ये 1/5 को 5 कर दिए, काहे इसे कर रहे हैं, ताकि बेस और थीटा और बेस सेम हो जाएगा, ठीक है, ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, देखिए कैसे ये यहाँ से हट जाएगा, 1/ इधर आ जाता है फार्मूला, यहाँ बताना होगा हमको, -1 हम डायरेक्ट लिखना है इसको, कि कैसे आया वो चीज़ बताना चाहते हैं, एक फार्मूला होता है यहाँ पर, शायद आप लोग को याद है कि नहीं, बहुत अब लिख के हम आगे नहीं होगा तो और लिख देंगे फार्मूला, ठीक है ना। जैसे log a के पावर मान लीजिए n है यहाँ, और ये मान लीजिए बेस में दे दिए हैं 1 के पावर 1/m, ठीक है, m दे दिए हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ई 1/n इन्हें आ गया, ठीक है, 1/n इधर आ गया, और ई 1/e क्या होगा, 1/m, मतलब ऊपर में m चला जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log a b, जिसको नहीं समझ में आया उसको फिर से ही समझाएंगे फार्मूला, टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए तो देखते हैं अब ई वाला, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, 5वां नंबर, log 10 30 डिग्री है, और इसका बेस में है cot 30 डिग्री, तो सबसे पहले इसको बदल दीजिए, इसका वैल्यू बैठा दीजिए, समझे, यहाँ वैल्यू पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं, तो log 10 30 की वैल्यू जानबे करते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है, अब बेस में cot 30 का क्या होगा, √3 ये होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कैसे किया जाए, अब 1/√3 को ऊपर ले जाइए, पढ़े हैं ना, जैसे अब यहाँ पर देखिए लॉग है, ये √3 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे माइनस हो जाएगा, -1, और यहाँ बेस में √3 है, ये है, ये सब का वैल्यू तो 1 हो गया, 1 × -1 -1, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है ना, लेकिन इस जगह पर कैसे किए समझ लीजिए, यहाँ फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं था, जैसे लिखा हुआ था log 1/a, ठीक है ना, इसको ऊपर ही ले गए हम, log a के पावर -1 ले गए, ठीक है ना, इसको यहाँ ले आइएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ ले आइए जगह, ये -1 नहीं आ जाएगा ना, -1 log a, ठीक है, और ये फार्मूला पता ही है आप लोग को, log a बेस a 1 होता है, चलते हैं 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इतना बराबर का होगा से पूछ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पहले समझ लीजिए, जैसे लॉग है सबसे बाहर रूट है, फिर अंदर में 5 है, फिर यहाँ √ है अंदर में, इसी तरह से जा रहा है, इन्फिनिटी तक तो जा रहा है, ठीक है। अब इसका बेस जो है 25 है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन भी है, तो इतना बराबर क्या होगा से पूछा है, तो मान लीजिए कि x बराबर है, देखिए लेट x इज इक्वल टू, पढ़े हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखिए ये चीज़ जो है रूट यहाँ है 5 है, फिर यहाँ √5 है, बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है, तो इसी में अंदरे में x मान ले रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देखिए x बराबर, पहले तो लेट x बराबर मानते हैं, x बराबर √5, अब ये देखिए √5 है उसके अंदर में, फिर √5 उसके अंदर में, √5 इस तरह से आते जा रहा है, इन्फिनाइट तक आते जा रहा है, तो क्या दिमाग लगाना है, √5 यहाँ लिख लीजिए, अब इंटू है यहाँ, तो यहाँ फिर मान लीजिए एक्स, तो देखिए √5x कर दिए, अब रूट को हटाने की कोशिश करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ करना नहीं इसमें, x² ये देखिए,
पाँच एक्स, अंडर रूट पाँच एक्स है, इसको मैं भी स्क्वायर कर दिए तो ये तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए यहाँ ये रूट, ये स्क्वायर जो है रूट पाँच तो पाँच ही हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ रूट पूरा में है ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, सबको एक तरफ ले आइए, कई बार में यहाँ काटियो देता है एक्स एक्स, ऐसे मत काटिएगा, कई दो रूट्स निकलता है यहाँ तो काट के तुरंत एक्स बराबर पाँच एक कर नहीं दीजिएगा, इधर ले आइए, ठीक है। अब यहाँ एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस पाँच हो गया इक्वल टू जीरो, तो यहाँ दो को रूट्स यानी दो को वैल्यू निकलेगा, एक बार जीरो निकलेगा, एगो पाँच निकलेगा, ठीक है। तो देखिए दो वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्या माने हैं आप, पूरा को एक्स माने हैं, देखिए ऊपर में, ऊपर में क्वेश्चन को एक्स माने थे, एक्स माने थे ना, तो समझिए कि इस जगह पर अगर आ जाए जीरो तो लॉग जीरो हम बोले थे ना अनडिफाइन होता है, यहाँ बैठाएंगे ही नहीं जीरो, इसलिए यहाँ पर जो लिमिट ले रहे हैं जो यहाँ पर आया है मेरा, ये जीरो होल्ड नहीं करेगा, इसे नॉट एग्जिस्ट, ये होल्ड करेगा पाँच, ठीक है। अब पाँच होल्ड करेगा तो इसको ले जाकर वहाँ बैठा दीजिए, यहाँ चलिए इसको रास्ता बनाते हैं, एकदम वहाँ ले जाते हैं, देखिए रास्ता में पार करते हुए आ रहे हैं, एकदम यहाँ बैठा दीजिए, सभी के जगह पर यहाँ से यहाँ तक के जगह पर पाँच हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, लॉग हो गया, देखिए यहाँ पर अब लॉग पाँच हो गया, उतना बड़ा रूट टू सबके जगह पे, अब बेस में पच्चीस दिल ही था। अब क्या करते हैं, देखिए इसके आगे इसको बढ़ा रहे हैं, अब पच्चीस को क्या लिख सकते हैं, लॉग यहाँ पर है पाँच, अब बेस में लिख दीजिए पाँच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ तो देखिए अभी यहाँ इतना तो मान लीजिए इससे रूट से लिख लिया, इतना बराबर का होगा तो मान लेते हैं वाई होगा, उसी में आगे हम बात कर रहे हैं, अगर वाई मान लेते तो कैसे चेंज होता है इसका बेस, उधर जा करके देखिए अभी ये वाला जो बेस था ना 25, अभी उसके इधर चल जाएगा, इधर पाँचे रह जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए क्या होगा, पाँच का स्क्वायर में वाई लग जाएगा, ठीक है। तो पाँच बराबर ये दो गुना वाई का होगा, पाँच के पावर में दो वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके पावर में एक है ये है, दोनों इक्वेट करिएगा तो दो वाई बराबर का होगा एक, अब वाई बराबर का होगा एक बटा दो, वन बाई टू हो गया आंसर।